हमारे अमरोहा के उस्ताद शायर मुताहिर हुसैन साहब नौशा अमरोही, हालांकि हम ये चाहते थे कि उन्हें मख्ते के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये उनकी खाकसारी और इनकिसारी है तबीयत की कि वो तशरीफ ले आए। बहुत अच्छी फिक्र के मालिक हैं, खूब शेर कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं जनाब नौशा अमरोही साहब। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। यकीन मानिए ये दो शख्सियात बिलखसूस, वैसे तो यहाँ जितने भी बाहर से तरतीब लाए शोहरा उनका हम मंजूर करते हैं और सभी बेहतरीन कलाम पढ़ने वाले और कहने वाले हैं, लेकिन ये मीर नज़ीर बाकरी और मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाबे शहजादा गुलरेज़ानपुरी, इनको न सिर्फ अमरोहा बल्कि पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया सुनना चाहती है। और यकीन मानिए मैं भी, मुझे भी यकीन है कि आप तमाम हजरात हालांकि आपके समातें थक चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हीं को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ तीन शेर बनजर हुसूल सवाब क्या कहना हाजिर करूँगा और अपनी जगह ले लूँगा। एक नारा है तो सुनवाते हैं, मतला हाजिर कर रहा हूँ, दो मतले हैं और एक शेर बस। जो लोग मिदहत खैरुल नाम करते हैं, क्या कहते हैं, जो लोग मिदहत करते हैं, जो लोग मिदहत खैर नाम करते हैं वो खुद पा आतश दोज़ख हराम करते हैं, वो खुद पा आतश दोज़ख हराम करते हैं। दूसरा मतलब जो जो जिक्र शाह अरब सुबह शाम करते हैं, जो जिक्र शाह अरब सुबह शाम करते हैं मलक भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं, मलक भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं। और आखिरी शेर से पहले हम रुआ की नजर के कबूल कीजिए आका ये अहले अमरोहा, कबूल कीजिए आका ये अहले अमरोहा, बस खुलूस यहीं से सलाम करके। बहुत अच्छा है, कबूल की खुलूस यहीं से सलाम करते हैं, जो लोग मिदहत खैरुल नाम करते हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छे हजरत नौशा अमरोही साहब आपसे मुखातिब थे।